तो दोस्तों पहले बात कर लेते हैं रफ्तार और हनी सिंह के बारे में। कल रफ्तार डैंक रिसु के चैनल पे लाइव आए थे और तब उस लाइव स्ट्रीम में उन लोगों ने हनी सिंह को ट्रोल किया, तो उस लाइव स्ट्रीम में से उबला पार्ट आप लोग भी देखिए। चलो भाई मैं कह रहा था हम ट्रेलर दिखा देते हैं रफ्तार भी आपको, हमारी एल्बम भी आ रही है, मेरी एल्बम पर्सनली फनी 3.0 प्लीज इट्स माय कमबैक, यू कैन नॉट लाफ लाइक दैट। आपने देखा है, आपने मुझे बोला था रफ्तार भैया मुझे 2.5 साल से देख रहा हूँ, आपने देखा है मैं कैसा 1.5 टन का भसौंड था, अब मैं आ गया हूँ शेप में, थोड़ा बहुत जिम चला गया, कम बैक तो बोल ही सकते हैं। मैं क्या देख लो बहन के भाई, यहीं से रील कटेंगी अब देख लो, तुम्हें पूरा कॉन्टेंट दे रहे हैं। तुम में से किसी को डिप्रेशन एंग्जायटी तो नहीं है ना? ये सब क्या होता है, बैठ जाते हैं शराब पी लो सब ठीक हो जाएगा। हम माँ बाप के साथ भी बैठ जाते हैं और कभी कभार तो मतलब भैया लेकिन तुम्हारे प्यार ने मुझे मजबूर किया वापस आने को। 3.0 एक नया वर्जन, एक एल्बम तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। You ready? बताओ भैया कब निकाल दूं यार? हाथ के हाथ निकाल ले भाई ये तो। हैं? सही है ट्रेलर। बस कर रहा हूं ना कुछ काम तो कर रहा हूं, बढ़ोतरी तो कर रहा हूं जिंदगी में। यार तूने पहला गाना कौन सा सुना था वैसे रफ्तार भी अगज है? मैंने हाँ मैंने पहला गाना स्वैग मेरा देसी सुना था, लेकिन 10 साल बाद मुझे पता चला मैंने पहला डोप शोप सुना था। अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में। नेक्स्ट न्यूज जाट प्रभजोत के बारे में। तो रिसेंटली जाट प्रभजोत जो ब्लॉग अपलोड किए उस ब्लॉग में वो थोड़ा सा इमोशनल हो गए थे, और जाट प्रभजोत क्यों इमोशनल हो गए थे आप लोग खुद देख लीजिए। आज ना मैं दिल से खुश हूँ, मतलब मेरे पापा इतना ज्यादा डांस कभी नहीं करते, लेकिन आज उन्होंने मेरे को देखा ना कि उनका बेटा अपने पैरों पे खड़ा हुआ है और डांस कर रहा है, मतलब 98% वो ठीक हो चुका है। मैं ये नहीं कहूँगा 100%, 98% अभी भी थोड़ा मेरे को पेन होता है, लेकिन हाँ हो जाएगा 100% 1-1.5 महीने में। लेकिन वो इतने ज़्यादा खुश थे ना मेरे को देख के, वो होता ना इमोशनल वाली फीलिंग की, उनको देख के मेरे को और ज़्यादा डांस करने का मन हो रहा था कि वो मेरे साथ डांस कर रहे हैं। जब भी मैं डांस कर रहा था ना, वैसे वो कभी भी डांस फ्लोर पे नहीं आते, लेकिन वो अपने आप आ रहे थे मेरे साथ डांस करने के लिए, कि उनको लग रहा होगा ना कि हाँ उनका बेटा अब डांस कर पा रहा है एकदम ठीक है, तो उनको दिल से खुशी हो रही थी, उनको देख के मेरे को दिल से खुशी हो रही थी। यही बाप बेटे का रिश्ता होता है यार, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। बस ऐसे ही मेरे को प्यार करते रहा करो, मेरे लिए दुआ करते रहा करो, मैं हमेशा ठीक रहूं, ऐसी आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूं। बस ठीक है, मेरे साथ क्या होता है ना, एकदम से आपसे बात करते करते ना आवाज़ भारी हो जाती है, वो होता ना कि दिल भर आता है कि हाँ यार मैं ये वाली लाइफ का ना सपना देखता था कि मेरे पास बड़ी गाड़ी हो, बड़ी बाइक हो, बड़ा घर हो, होगा नहीं होगा वो अलग चीज है, लेकिन मैं सपना देखता था कि मेरे को करना है, मेरे को ऐसे मुकाम में पहुंचना कि ये सब मैं कर पाऊं, और आज मैं कर रहा हूं। नेक्स्ट न्यूज बेरोजगार के बारे में। रिसेंटली बेरोजगार MBA चाहीवाला के ऊपर एक एक्सपोज वीडियो अपलोड किया है, और उस वीडियो के लिए अब उनको FIR का धमकी मिल रहा है। उसी के ऊपर रिएक्ट करते हुए बेरोजगार कुछ ये कहा। ने किया था MBA चाय वाले के आउटलेट पे स्टिंग ऑपरेशन, जिसके बाद मेरे वीडियो पे प्राइवेसी कंप्लेन करी गई, मुझे थ्रेटनिंग कॉल्स करे जा रहे हैं, और साथ में मुझे FIR की धमकी देकर मेरा वीडियो डिलीट करवाने के लिए बोला जा रहा है। एक्चुअली क्या है ना, मेरे यूट्यूब पे वो वीडियो डाले किसी ने ना, तो मैं उस बंदे का चैनल का नंबर निकालने की जा रहा था। मैंने ना केस कर दिया उसके ऊपर, मेरे पास रिकॉर्डिंग है उसके चेहरे की भी, मेरे पास हमारे कार्ड की डिटेल्स है, उसने कार्ड से ट्रांजेक्शन करी थी। लेकिन मैंने अपने वीडियो में प्राइवेसी पॉलिसी का पूरा ध्यान रखा था, ना मैंने किसी का नाम लिया और ना ही मैंने आउटलेट की लोकेशन किसी को बताया, इवन अगर कुछ चीजें दिख रही थी तो मैंने उनको ब्लर कर दिया। वो पूरी वीडियो भी मेरे चैनल पे तुम जाके देख सकते हो, जिसमें मैंने इस फ्रॉड चाय वाले की पूरी रियलिटी दिखाई कि किस प्रकार ये भोले भाले लोगों को झूठे सपने दिखाकर उनको लूट रहा है। MBA चाय वाला का बात चल रहा है, तो बात कर लेते हैं क्रेजी दीप के बारे में। क्रेजी दीप भी बहुत ही जल्द MBA चायवाला के ऊपर एक वीडियो अपलोड करने वाले हैं। उसी के बारे में उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरीज में कुछ यह कहा। भाइयों ये यूट्यूब डिस्ट्रैक्ट की मिक्सिंग थोड़ा सा टाइम ले रही है, मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो ज्यादा डिले ना करूं, उसके पहले मैं एक MBA चायवाले पे डाल दूं। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।